आज हम आपके लिए लेके आए हैं अबंटू। तो यहाँ पे नेम देना है, ये वर्चुअल टूल है ओरेकल का अबंटू। और यहाँ हम रैम लेंगे जो वर्चुअली हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो ग्रीन क्राइटेरिया है वो सॉफ्टवेयर का मैक्सिमम है। वर्चुअल लेने के बाद हम हार्ड ड्राइव लेंगे, 10 GB आ रही है, इसको हम 100 GB कर देंगे। 100 GB का हार्ड ड्राइव ले लिया वर्चुअल। यहाँ पे आपको नेटवर्क में स्टार्ट कर देते हैं, वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी और ISO के थ्रू डेटा इंस्टॉल करना शुरू कर देगी। ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रही है। इसी तरह आप एक्चुअल कंप्यूटर पर भी OS इंस्टॉल करेंगे। ये वर्चुअल शुरू हो गया है। यहाँ पर जो ISO इमेज है उसे चेक किया जाता है। आप चाहते हो तो कंट्रोल सी दबा के स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी अभी ISO को डाउनलोड किया है वेबसाइट से, तो इशू नहीं आता है कोई भी ऐसा। ये सभी हार्डवेयर को स्कैन करेगा Ubuntu सर्वर और इंस्टॉलेशन के लिए शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है, ना कि अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, क्योंकि तो इस स्टेप पर जो ISO इंस्टॉल हो रहा है तो सभी हार्डवेयर को स्कैन करता है। ये Ubuntu का ISO रन हो गया है इंस्टॉलेशन के लिए। यहाँ हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखा देते हैं और सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है ट्राई, आप विदाउट इंस्टॉल किए Ubuntu Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्राई कर सकते हैं। और सेकंड होता है इंस्टॉलेशन। तो यहाँ इंस्टॉलेशन देखिए, ट्राई टू Ubuntu एंड इंस्टॉल द Ubuntu। ट्राई Ubuntu का मतलब है आप ट्राई करना चाहते हैं। इंस्टॉल Ubuntu पे क्लिक करेंगे, Linux इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश US और इंग्लिश US सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ कुछ ऑप्शन मिलेंगे, इसमें नॉर्मल इंस्टॉलेशन लेना है। ये डेट टाइम पर हमें देख लेना है कि डेट और टाइम सही हो, उसी दिन की तारीख हो और उसी दिन का टाइम। उसके बाद नॉर्मल इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। एक बार हम बैक करके देख लेते हैं कि क्या कीबोर्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। दोस्तों आपको दिखाने के लिए, हम वर्चुअल मशीन पर काम कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो हो गया। अगर आपको हमारा चैनल HS Tech अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नॉर्मल इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। अदर ऑप्शन में दो ऑप्शन है, डाउनलोड और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। ये कीबोर्ड को दोबारा सेलेक्ट किया गया है। यहाँ देखिए डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन थर्ड पार्टी। ये इंस्टॉलेशन थर्ड पार्टी तब काम करेगा जब इंटरनेट वर्किंग कर रहा होगा, तो इंस्टॉलेशन के दौरान भी इसमें इंटरनेट चलना चाहिए। कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पार्टीशन आएंगे, इरेज डिस्क में जाके आपके ऑटोमेटिक पार्टीशन होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैनुअली पार्टीशन हो तो समथिंग लेस में जाएं। आपकी हार्ड ड्राइव दिखाई देगी, जो हमने 107 GB है वो दिखाई दे रही है। इसमें न्यू पार्टीशन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। फ्री स्पेस आ गया है मेरे पास 100 GB का। प्लस पे देंगे, पूरा स्पेस आपको दिखाई देगा। पहला पार्टीशन हम बनाएंगे, पार्टीशन टाइप एक्सटेंड 4 रहेंगे और रूट, पहला पार्टीशन रूट का बनेंगे। मैक्सिमम साइज हम रूट पार्टीशन बनाएंगे 100 GB है, हम यहाँ पे 80 GB ले लेते हैं। ये साइज हमारे पास MBs में है तो हम 87,000 ले लेंगे। तो ये करीबन 80 GB के आसपास साइज रूट के लिए रिजर्व हो गया। अभी फ्री स्पेस बचा 20 GB, प्लस करेंगे।
नेक्स्ट फंक्शन बनाएंगे हम स्वैप का। यहां से नीचे के नीचे जाएंगे तो स्वैप मिलेगा। जितना आपकी रैम मेमोरी है उससे दो गुना साइज आप स्वैप का बनाएं। 4 GB हमने ले लिया स्वैप के लिए, जो आपका हार्डवेयर रैम है उससे दो गुना स्वैप फंक्शन बनेगा। देन फ्री स्पेस लेंगे, नेक्स्ट फंक्शन बनाएंगे बूट का। इसके लिए छोटा सा साइज आप ले सकते हैं कोई भी, अगर हार्ड डिस्क ज्यादा है तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप स्मॉल फंक्शन में। ये केवल बूटिंग के लिए इस्तेमाल होगा, 2 GB का बना लेते हैं। नेक्स्ट पार्टीशन फ्री स्पेस पर सेलेक्ट करें, प्लस करें। बूट के बाद हम बनाएंगे होम पार्टीशन, ये भी आप अपनी इच्छा से, हमने 4 GB का बनाया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्टीशन बनाएंगे टेम्प का और USR। तो टेम्प जरूरी नहीं है, यूजर पार्टीशन बनाना जरूरी है। हम USR के लिए एक पार्टीशन बनाएंगे 3000 MB यानी कि 3 GB का। इसके बाद हम फ्री स्पेस को फिर लेंगे, प्लस दबाएंगे, देन हम वार पार्टीशन लेंगे। अगर हम वेब सर्वर बना रहे हैं तो वो सारे डेटा यहाँ जाने वाला है, तो जितना हार्ड डिस्क अवेलेबल है उतना हम इसमें ले लेंगे। 3 GB के आसपास हमने इसको भी लिया, ये पार्टीशन भी 3 GB के पास हमने बना लिया। प्लस का निशान, देन हमने बनाया OPT और USR लोकल। तो OPT की जरूरत नहीं, USR लोकल बना देते हैं 2 GB का। तो लगभग हमारे पास फ्री स्पेस बना है 2 GB। इसको भी लास्ट में हम बाइंड कर देते हैं। OPT का ले लेते हैं हम, बचा हुआ स्पेस OPT पार्टीशन बना दिया, ऑप्शनल डेटा के लिए होता है ये। अभी हम इसके बाद आगे चलते हैं तो रूट को सिलेक्ट करके हमें इंस्टॉलेशन नाउ पर क्लिक कर देना है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वार्निंग देगा कि आपका पहले का डेटा उठ जाएगा, और इस पार्टीशन टेबल के साथ हम कंटिन्यू इंस्टॉलेशन शुरू कर देंगे। तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, यहाँ पे हमें टाइम जोन लेना है, इंडिया कलकत्ता ही लिखा आना चाहिए, इंडिया का मैप आ रहा है, नीचे कोलकाता आपको दिखाई दे रहा है, तो कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर हमें आप एक नेम देना है, मैचेस दे रहा हूँ, और ये आपका यूजर नेम बनेगा। कंप्यूटर नेम बाय डिफॉल्ट आया HS वर्चुअल बॉक्स, हम HS यूट्यूब कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं आपके कंप्यूटर का नाम। पासवर्ड हम दे रहे हैं 128। तो ये पार्टीशन मैं बता रहा हूँ, आगे हम इसमें कुछ और भी आपको बताएंगे, इसके मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, Ubuntu के अंदर रूट का पार्टीशन नहीं बन, रूट का यूजर नेम नहीं बनता। जो यूजर नेम आप यहाँ पे बनाओगे जिस भी नाम का, वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर इट मीन्स रूट की तरह ही काम करेगा। सिर्फ क्या डिफरेंसेस होता है, जब आप कमांडिंग को चलाएंगे तो आपको सूडो लिखना होगा। अगर आप विदाउट सूडो कोई कमांड लगाते हैं तो वो लगेगी नॉर्मल, और अगर आप सूडो लगाते हैं दैट्स मीन्स आप रूट का एक्सेस ले रहे हैं। ये सिंपल सी थ्योरी है रूट की। तो ये इंटरनेट भी यहाँ पे चलना चाहिए आपका, और कॉपिंग फाइल हो रही है, और ये इंस्टॉलेशन आपके सामने चल रही है। तो वीडियो को स्किप ना करें।
तो यहाँ सारी फाइल्स कॉपी हो रही है और आपको ये कॉपी होने देना है। ध्यान रहिए, Ubuntu इंस्टॉल करते वक्त आपका इंटरनेट कंटिन्यू चलना चाहिए, क्योंकि इंस्टॉलेशन के वक्त जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से इसको चाहिए वो ये इंटरनेट के थ्रू इंस्टॉल करेगी, तो ध्यान रहे इस बात का। यहाँ जो टाइमिंग लगेगा वो डिपेंड करेगा आपका इंटरनेट स्पीड पे। तो दोस्तों, अगर हमारे एचएस टेक्निकल चैनल से आपको टेक्निकल वीडियोस मिल रहे हैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन टेक्निकल वीडियोस और भी लाते रहें। तो ये टाइमिंग डिपेंडेंसी सभी डिपेंड करती है आपके इंटरनेट स्पीड पर। तो ये अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है, यहाँ एक छोटा सा बटन भी आ रहा है स्किप का, परंतु हमें इसे स्किप नहीं करना है। अगर आप इसे स्किप करेंगे तो थर्ड पार्टी फंक्शन रह जाएंगे, तो किसी भी सूरत में आप इसे स्किप मत कीजिए। ध्यान रहे, अगर आप इसे स्किप कर देंगे तो आपके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी स्किप हो जाएंगे। इसके बाद आपका लिनक्स Ubuntu 12.04 इंस्टॉलेशन के बाद तैयार हो जाएगा यूजिंग के लिए। यहाँ पर आपको कंटिन्यू वेट करना होगा और जो भी इंटरनेट का सोर्स है वो बंद नहीं होना चाहिए। किसी भी ऑप्शन, किसी भी पैरामीटर को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपका इंस्टॉलेशन पार्ट्स स्किप होकर जो ओएस इंस्टॉल होगा और उस ओएस से आप जो भी काम करना चाहेंगे वहां आपको काफी प्रॉब्लम्स और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन के वक्त इंटरनेट चलना चाहिए। और कोई भी डेटा स्किप नहीं होना चाहिए, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है।
ये कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर सारा का सारा इंस्टॉलेशन हो गया, सिस्टम इंस्टॉल हो गया, बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है। जो आपके एक्स्ट्रा पैकेज हैं उनको चेक किया जाता है और इंस्टॉल किया जा रहा है। और ये फाइनल लास्ट मूवमेंट पे काफी तेजी से इंस्टॉल होते हुए आपके सारे जो पैकेज हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बिल्कुल लास्ट स्टेज पर इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है। कंप्लीट ओएस इंस्टॉल हो चुका है, बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे फाइल्स और पैकेज की इंस्टॉलेशन और सेटअप किया जा रहा है। ये अभी भी आपके सामने कुछ पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है और कंटिन्यू सर्चिंग भी शुरू है। ध्यान रहे यहाँ पर भी आपने फाइल को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने फाइल को स्किप किया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल तो हो जाएगा परंतु प्रॉपर नहीं चलेगा। अगेनली पूरे स्टेप के दौरान ये आपको करीबन, अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छी है,
ये स्टेप केवल 20 से 30 मिनट का ही है, यानी कि आप आधे घंटे में पूरा OS इंस्टॉल कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम और बिना किसी रुकावट। परंतु आपने कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, कोई भी स्टेप के दौरान आपका इंटरनेट फैसिलिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, HS Tech चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियोस अच्छी लगे, हम स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियोस बनाते हैं, किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करते, लाइव रिकॉर्डिंग के साथ एक एक स्टेप आपके सामने किया जाता है और एंड तक उस स्टेप से जो आउटपुट आएगी वो भी आपको दिखाई जाती है। किसी भी स्टेप को किसी भी तरह से कहीं पर भी स्किप नहीं किया जाता, ताकि जो कुछ इंस्टॉल किया जा रहा है और जो कुछ दिखाया जा रहा है वो कंप्लीट और अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे। अगर पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं कोई एरर है तो वो भी आपको लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान दिखाई देगी। इस वीडियो को अगर अच्छे लगे तो ऐसी टेक्निकल वीडियोस ये देखिए। ये कंप्लीट हो गया स्टेप और आपको रीस्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब भी आप इसको रीस्टार्ट करें तो यहाँ रीस्टार्ट करने पर एक चीज का ध्यान रहे, ये स्क्रीन आपके सामने आएगी और यहाँ एक मैसेज आएगा, ये वाला। ये मैसेज का मतलब था यहाँ एंटर करने से पहले रिमूव कर ले अपना सोर्स मीडिया, पेन ड्राइव जो कुछ भी लगा रखा है उसको निकाल दीजिए। अभी Ubuntu फर्स्ट टाइम आपके सामने रन होने जा रही है इस पीसी में। देखिए, पूरा स्टेप हमने आपके सामने किया, स्टेप बाय स्टेप किया, पार्टीशन किए, हर स्टेप में कहीं भी स्किप नहीं किया, कंप्लीट स्टेप आपके सामने है। इंस्टॉलेशन में कहीं कोई ब्रेक नहीं है, बिल्कुल लाइव इंस्टॉलेशन आपको दिखाई गई है और इंस्टॉलेशन के बाद पूरा स्टेप आपके सामने है और आउटपुट भी आपके सामने है। अभी फर्स्ट स्क्रीन आएगी, यूजर हमने HS बनाया था इंस्टॉलेशन के दौरान, इसका पासवर्ड जो हमने लगाया था 1 से 8 तक नंबरिकल वो लगाएंगे और इसका पहला स्टेप आपको दिखाएंगे। Ubuntu इंस्टॉलेशन होते ही जो आपको स्क्रीन आती है उस पर क्या आता है। तो ये Ubuntu आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है इंस्टॉलेशन के साथ। वर्चुअल मोड होने के कारण थोड़ा सा ही पीसी बिजी चल रहा है। अभी हम इस HS पर क्लिक करेंगे और यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे 1 से 8। ये फर्स्ट टीम थोड़ा सा डिले होकर आपके सामने आएगी। स्क्रीन आ गई आपके सामने। अगर आप कोई ऑनलाइन अकाउंट चाहते हैं जिसे स्किप कर दें, उसके बाद नेक्स्ट एंड Ubuntu कम्युनिटी प्राइवेसी को ऑफर के नेक्स्ट एंड लास्ट में डाल, तो ये Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम 12.0.4 तैयार है चलने के लिए। यह आपका नेटवर्क वॉल्यूम और सब दिखाई दे रहा है। ये पावर बटन जैसे शट डाउन होगा, ये मेन्यू बटन, ये हेल्प जिसमें इसकी Ubuntu डेस्कटॉप वाइड के बारे में लिखा हुआ है।